हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्र में कन्या पूजन में जो हम खाना बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, कन्याओं को, तो उसकी रेसिपी। तो इसमें हम काले चने की सब्जी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे और सूजी का हलवा। तो आइए पहले, सबसे पहले हम सूजी का हलवा बनाते हैं। उसके लिए मैंने ये 2 बड़े चम्मच लोहे की कढ़ाई है, मोटे तले की, उसमें डाल दिया है। अब देखिए घी गरम हो गया हमारा, तो इसमें हम सूजी डाल देंगे। तो ये 2 कटोरी के करीब सूजी है, तो मैं ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी ली है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सेम आँच पे, धीमी आँच पे एकदम से भूनेंगे इसको। मतलब जितना हम धीमी आँच पे भूनेंगे इसको, उतनी टेस्टी हलवा बनेगा ये। ऐसे धीरे कर करके भूनना है हमको, चलाते रहना है इसको, लगने नहीं देना नीचे। ये देखिए, और घी अपने को जितना डालना है पहले ही डाल दो, बाद में थोड़ा बहुत डालो तो डालो। अब ये मैं इसमें इलायची कूट लूंगी, ये इलायची पाउडर भी डाल दिया इसमें। देखिए फ्रेश इलायची कूट के डालो तो अच्छी खुशबू आती है। बस इसको अब भूनते ही जाना है। देखिए काफी टाइम से भून गया, अब ये एकदम मतलब गुलाबी कलर होना चाहिए, वीडियो में दिख नहीं रहा, बाकी गुलाबी कलर हो गया था इसका। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया, पानी इतना डालना है कि सूजी डूब जाए। देखिए ये अपने आप गाढ़ी हो जाएगी, चलाते रहें। इधर कुछ ड्राई फ्रूट हैं, ये भी डाल दिए मैंने, किशमिश, पिस्ता, बादाम, काजू, और ये मैंने केसर भिगोई थी वो भी डाल देंगे, इससे कलर अच्छा आएगा हलवे का। देखो फूल के कितनी ज्यादा हो गई, पानी डालने के बाद जितनी फूलेगी ना उतनी अच्छा रहता है ये। अब इसमें थोड़ा घी और डाल देंगे हम, याद रहे जब अपन भूनते हैं ना सूजी उसी टाइम ज्यादा घी डालना चाहिए, तो ज्यादा टेस्टी बनता है। देखिए अब ये हमारा हलवा तैयार हुआ। अब इसमें हम मीठा डालते हैं, मीठे के लिए हम इसमें डालेंगे शुगर, और शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ 1 बड़ी कटोरी शुगर डाल दिया। शुगर डालने के बाद में ये थोड़ा पतला हो जाता है, जब शुगर मेल्ट होती है ना तो ये पतला हो जाएगा, तो फिर हमें और थोड़ा चलाना पड़ेगा इसको। ये देखिए ये हमारा एकदम दानेदार हलवा बनके तैयार। जितना अपन सूजी को भूनेंगे धीमी आंच पे उतना ही अच्छा बनेगा हमारा हलवा, खिला खिला। अब एक थाली लेंगे हम, उसमें ये डाल देंगे और इसको सब फैला देंगे ऐसे थाली में। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब क्या करेंगे हम, ये मेरे पास नारियल का पाउडर है, ये थोड़ा सा डाल देंगे, नारियल का बुरादा, इससे देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। और कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं हम गार्निश के लिए। बस मैं बादाम डाल रही हूँ, वैसे डाल दिया था पहले हमने बनाते टाइम में ड्राई फ्रूट, बस ऐसे ही, थोड़ा ज़्यादा नहीं बना डालना, बस ऐसे ही। अब ये देखिए मैं इसके पीस करूँगी तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, ऐसे पीस कर करके थाली में देंगे और वेस्ट भी नहीं होगा, ये जितना चाहिए उतने देते जाओ। अब मैं बनाती हूँ चने की सब्जी। तो ये चने मैंने ओवरनाइट भिगो के रखे थे, मॉर्निंग में इनको मैंने उबाल लिया था और एकदम से अच्छे से उबाल लिया। इधर मैं एक मिक्सर में क्या करूँगी, अदरक डालूँगी और टमाटर, तो 3 टमाटर के करीब डालूँगी। तो छोले भी मेरे ज़्यादा ही हैं, छोले काले चने सॉरी। और ये मैं इसमें इलायची डाल दूँगी और थोड़े से हम ग्रेवी में ना ऐसे ये चने, उबले हुए चने भी डाल देंगे इसमें, तो इसको भी हम साथ में ही ग्राइंड कर लेंगे, तो इससे ना अच्छी ग्रेवी बनती है उसकी, लिट पिटे से बनते हैं ना तो उसमें मसालेदार बन जाएंगे, बहुत अच्छे लगते हैं।
अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंड हो गया, अच्छे से बारीक कर लेना है इसको। इधर में कुछ साबुत मसाले डालेंगे, तो वो है ये देखिए, जीरा है, थोड़ा धनिया है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, लौंग है और तेज पत्ता है। अब ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया और उसमें ये सारे मसाले डाल दिए और ये पिसा हुआ टमाटर ये भी डाल दिया। अब इसको हम पकाएंगे बढ़िया तरीके से। जितना अच्छा मसाला पकेगा उतनी अच्छी हमारी सब्जी बनेगी। अब कुछ हम सूखे मसाले डालते हैं अपने रेगुलर, इसमें हरी ये लाल मिर्च डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बच्चों का खाना है तो कम डाल सकते हैं। और ये मैंने धनिया पाउडर इसमें 2 बड़े चम्मच डाल दिए ये, और हल्दी डाली है 1/2 चम्मच के करीब, और ये अमचूर पाउडर। और ये नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसको हमें भूनना है बढ़िया, जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ने लगे ना साइड में से, जब तक हमने भूनते ही जाना है। अब देखिए इसको मैंने 3-4 मिनट भूना और कुछ इस तरह का कलर आया, कितना प्यारा। अब इसमें क्या करेंगे हम, वो चाट मसाला डाला है हमने और ये थोड़ी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके वो भी डाल दिए, तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसमें और टेस्टी तो बनेगा ही। तो ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है इसकी, आप खुद ही देख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये चने डाल देंगे, चने डाल के अच्छे से चलाएंगे इसको, हम सारे चने डाल देंगे। मैं ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ ना, तो ये ज़्यादा है, आपको जितना बनाना है उसी हिसाब से आप मसाले डाल सकते हैं इसमें। अब ये देखिए अच्छे से भून लिया मैंने इसको इसके मसाले के साथ में, फिर इसमें हमने पानी डाल दिया। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए तो इसमें ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, और मुझे ये चाहिए लिट बटे से, तो इसलिए मैंने इसमें 1 ग्लास पानी डाला और इसको अब ढक के पकाएंगे। अब ये देखिए इसको मैंने 5 मिनट तक पकाया है, धीमी आंच पे ही पकाया, तेज नहीं की। तो ये देखिए कितने लटपटे से बने हैं, बहुत ही मसालेदार, ये पूरी के साथ खाने में एकदम परफेक्ट है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इसकी हम ज़्यादा ग्रेवी नहीं सुखाएंगे, ठंडे होने के बाद और थोड़े से ये गाढ़े हो जाएंगे। अब इसमें हमने फ्रेश हरा धनिया डाल दिया। तो ये देखिए हमारे चने की सब्जी एकदम टेस्टी मज़ेदार तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे पूड़ी, मसाला पूड़ी, आप सिंपल भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। तो मैंने इसमें आटा ले लिया और इसमें नमक डाल दिया और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिया, इसे देखने में अच्छी लगेगी, और थोड़ी सी हल्की सी मिर्ची डालेंगे हम, और अजवाइन, अजवाइन के बिना तो पूड़ी अधूरी है, इसकी खुशबू से बहुत ही अच्छी लगती है पूड़ी। तो इसमें हम ये क्रश करके ये भी डाल देंगे। और ये थोड़ी सी हम ये कसूरी मेथी डाल देंगे इसमें, थोड़ी सी लेंगे और डाल देंगे, अच्छी टेस्टी भी लगती है और दिखने में भी अच्छी लगेगी। ये हमारे पूरी में जो डालना था यही चाहिए, आप चाहो तो जैसे ये चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, इससे देखने में भी अच्छी लगती हैं ये पूड़ियाँ। तो सिंपल भी बना लो और ऐसे मसाला पूड़ी भी बना लो तो बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों को भी। अब हम क्या करेंगे, इसमें घी डाल देंगे, घी से सॉफ्ट भी बनेंगी और अच्छी पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं। मोयन थोड़ा डालना चाहिए, मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है, और सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका टाइट आटा लगा लेंगे, जैसे रोटी का लगाते हैं उसे थोड़ा टाइट लगाएंगे, क्योंकि हम आटा लगा के रोटियां नहीं बेलते, पलोथन लगा के नहीं बेलते, पूड़ियों की बिना पलोथन के बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा टाइट ही आटा चाहिए। ये देखिए परफेक्ट आटा गूंदा है, और थोड़ा सा घी ऊपर से लगा देंगे ताकि पपड़ी नहीं छाए इस पर, इस तरह से।
अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ढक के, या कपड़े से या कोई बर्तन से ढक के रख सकते हैं आप 10 मिनट 15 मिनट। अब देखिए 15 मिनट बाद फिर एक बार और मसल लेंगे हम इसको, आटे को। अब इसकी हम पूड़ियाँ बनाते हैं। तो अब हम एक जैसी इसकी ऐसे हाथ में लेके ऐसे पूड़ियों के आकार में, आपको बड़ी छोटी कोई भी जैसे पतली मोटी कैसी बनानी है उसी हिसाब से आप गोले बना सकते हैं इसकी। तो मैं मीडियम बना रही हूँ। तो इस तरह से पहले हम सारे गोले बना लेते हैं। अब एक बेलन में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि चिपकेगी नहीं, और मैं ये स्लैब पे ही बना रही हूँ। अच्छा साफ सुथरा स्लैब है तो इसी पे बना बना के रखते जाएंगे नीचे। अब इस तरह से बेल लेंगे देखिए, और इसको ना एक ही साइड से ऐसे बेलना है ताकि फूलेगी पूरी। आप एक ही साइड से बेलोगे ना, अगर पलट पलट के बेलोगे ना तो इस पर दबाव ज़्यादा आ जाएगा तो ये फूलेगी नहीं। तो पूरी हमेशा एक साइड से ही बेलना चाहिए। ऐसे करके मैं साड़ी पूड़ियाँ बेल लेती हूँ इस तरह से, पतली पतली बनाए, ज़्यादा पतली भी नहीं बनाना और बहुत मोटी भी नहीं बनाना, मोटी पूड़ी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस तरह से ऐसे थोड़े ऐसे कर लेंगे तो ऊपर भी इनके घी आ जाएगा। ये देखिए फटाक से फूल गई ना। तो यही ट्रिक है इसकी, आप एक साइड से हमेशा बेलो तो आपकी पूड़ी हमेशा फूलेगी। जिसकी नहीं फूलती उसके लिए टिप्स है ये। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार मसाला पूड़ी तैयार हो गई। ये देखिए, तो ये हमारी व्रत की थाली तैयार है कन्या पूजन में। अष्टमी नवमी आप जो भी मनाते हो उस पे बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, रानी का भोग लगाइए। बाय बाय।